हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी विद सुनील कुमार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। बहुत सारे छात्रों का फ़ोन भी आया, बहुत सारे छात्र जो हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं वे उत्तीर्ण हुए हैं। बहुत सभी को बधाई मेरे ओर से, और आपके उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूं। तो आप लोग अब बस पीटी परीक्षा के लिए विशेष कर के आप लोग तैयारी में लग जाएं। तो देख सकते हैं आप, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 02/2019, इस परीक्षा के रिजल्ट का इंतज़ार बहुत सारे परीक्षार्थी जो थे बहुत दिनों से कर रहे थे, तो उनकी इंतज़ार की घड़ियाँ जो है समाप्त हो गई है। तो देखते हैं कैसा रिजल्ट आया है, और मैं आपको एक लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आप मेरे टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जाकर आप मेरे टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती पूरे बिहार राज्य में वर्ष 2019 में बिहार पुलिस, बिहार सैन्य विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही पद की जो 11,880 रिक्तियां थी उसके विरुद्ध 4/10/2019 को विज्ञापन संख्या इतना के प्रमुख समाचार पत्र और पर्षद की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। उस परीक्षा में जो है आपका 12/1/2020 को रविवार को कुल 6,68,016 और दिनांक 8/3/2020 को जो था 5,96,641 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में जो था शामिल हुए थे, और लिखित परीक्षा में जो था 10,52,243 अभ्यर्थी अपियर हुए थे। 460 अभ्यर्थी कदाचार के आधार पर आयोग जो था उनको अघोषित कर दिया गया था, और 10,51,783 अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका का जो है मूल्यांकन किया गया, और भर्ती हेतु विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विभिन्न कोटि के गृह रक्षक और गैर गृह रक्षक के लिए मूलतः उपलब्ध रिक्तियां के जो है आपका पाँच गुना रिजल्ट जो है जारी किया गया है। यानी जितनी भी वैकेंसी है उसका 5 गुना रिजल्ट जारी किया गया है, और उसके आधार पर शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET जो है मेधा क्रम अनुसार आरक्षण कोटिवान में चयन किया गया है। तो अगले चरण में अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र का सत्यापन होगा, उसके साथ साथ आपका PET जैसे दौड़ होगा, गोला फेंक, ऊंची कूद आदि में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण होना जो है अनिवार्य होगा। शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई जो है छूट नहीं मिलेगी आपको। सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन अंतिम मेधा जो है सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में जो है जो अंक प्राप्त होंगे उसी के आधार पर आपको की जाएगी। लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों को परीक्षा फल यहां जो है प्रकाशित किया जा रहा है। शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन जुलाई 2020 के तृतीय सप्ताह से प्रस्तावित है। तो आपके पास यानी जुलाई का जो है 21 तारीख से जो है आपका PET कराई जाएगी, तभी आपके पास पूरा जून और जुलाई लगभग 1.5 महीने का आपके पास समय है, समय सफिशियंट समय है PET के लिए। तो आप अभी से जी जान लगाकर आप PET की तैयारी में लग जाएं, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। और पुलिस मुख्यालय के जो विज्ञापन दिनांक दिया गया है पत्रांक के द्वारा अधिसूचना शर्त के अधीन बिहार पुलिस एवं अन्य इकाइयों, बिहार पुलिस सैन्य विशेषकर इंडिया रिजर्व 11,800 जो है आपका 80 सीट है, जिसमें आपका समान वर्ग का सिपाही का जो है 4,778, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1188, SC के लिए 1893, ST के लिए जो है 119, EBC का 2,129 और पिछड़ा वर्ग का 1419, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 354 यानी 11,880। इस प्रकार लगभग 60,000 जो है रिजल्ट निकाला गया है। आप रिजल्ट नीचे देख सकते हैं, जैसा कि रिजल्ट आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखिए आप ये रिजल्ट देख सकते हैं। इसका मैं PDF हालांकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। और